देश भर के अधिकांश राज्यों में तेज बारिश का दौर जारी है। कुछ जिलों में तो हालात ऐसे हैं कि मानो लोगों के लिए आसमान से साक्षात आफत बरस रही है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश के कारण यूपी सरकार ने स्कूलों को बंद करने के आदेश भी जारी कर दिए। वहीं दिल्ली में भी लगातार बारिश से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। कई स्थान ऐसे भी हैं जहां पर जलभराव इस वक्त बना हुआ है। आईएमडी ने दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही भारत मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तराखंड की भारी बारिश की संभावना जताते हुए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तराखंड में बारिश की तरफ से बहुत नुकसान पहुंचा, जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। नतीजतन उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश का दौर जो है लगातार दर्ज किया जा रहा है। वहीं बांग्लादेश के ऊपर कम दबाव क्षेत्र के कारण उत्तर पूर्वी राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना है। आईएमडी ने मॉनसून के बारे में एक तात्कालिक चेतावनी जारी की और कहा कि मौजूदा मौसम प्रणाली अगले जो कुछ घंटे हैं वहां उत्तर भारत के क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। मौसम विभाग ने यूपी और उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए अगले 48 घंटों में भारी बारिश होने का पूर्व अनुमान जताया है। आईएमडी ने यूपी के मथुरा, आगरा, फरुखाबाद, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और शाहजहांपुर में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं राज्य के एक दर्जन से अधिक अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड में 12 और 13 तारीख को भारी बारिश की जो चेतावनी दी गई थी, अब लगातार उसको लेकर कहा जा रहा है कि ये आगे भी बनी रही, यानी कि बारिश का जो दौर है वो आगे भी लगातार अभी बना रहेगा। कुछ दिनों तक बारिश का दौर चलता रह सकता है। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश से सतर्क रहने की सलाह दी गई। हिमाचल प्रदेश में 12 में से 5 जिलों में भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने कहा कि किन्नौर, सिरमौर, सोलन, शिमला और बिलासपुर जिलों के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। राज्य में कुल 37 सड़कें यातायात के लिए बंद है। वहीं राजस्थान के कई इलाकों में भी भारी और अति भारी बारिश का सिलसिला अभी कुछ दिन जारी रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार एक कम दबाव का क्षेत्र अवदाब में तब्दील हो चुका है और फिलहाल उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर बना हुआ है। आगामी 24 घंटे में इसके उत्तर प्रदेश दिशा में, उत्तर पश्चिमी दिशा की बात करें तो वहां उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ने का अनुमान इसका है। उसके प्रभाव से पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में आगामी 3 से 4 दिन मॉनसून सक्रिय रहने और मध्यम से तेज बारिश होने की भी संभावना है। आईएमडी के मुताबिक भरतपुर, जयपुर, कोटा और अजमेर संभाग में कहीं कहीं भारी तो कहीं अति भारी बारिश का दौर अभी जारी रहने की संभावना है।